हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शर्मा आपको सीएस थर्ड सेम में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट अपना एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इसके अंदर यूनिट फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑप्टिमाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन। तो लेक्चर वन के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिमाइजेशन इज द एक्ट ऑफ ऑप्टनिंग द बेस्ट रिजल्ट अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एक्ट होता है जो कि बेस्ट रिजल्ट गेट कर सकते हैं किसी भी जो गिवन सर्कमस्टेंसेज हैं आपके, किस किस में, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियर्स हैव टू टेक मैनी टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल डिसीजन एट सेवरल स्टेजेस। तो इंजीनियर्स होते हैं, उनको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल डिसीजन लेने पड़ते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल सच डिसीजन इज आइदर मिनिमाइज द इफेक्ट रिक्वायर्ड और द डिजायर्ड बेनिफिट। तो इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है डिसीजंस का, कि मिनिमाइज करना, जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनको मिनिमाइज करें और जो बेनिफिट है, डिजायर्ड बेनिफिट, उसको मैक्सिमाइज करें। तो ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंडीशंस। तो ऑप्टिमाइज जनरली क्या करता है, डिफाइन करता है उस प्रोसेस को जिसमें आप कंडीशन फाइंड करते हैं दैट गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यदि मैथमेटिक्स की फॉर्म में यदि आप इसको यूज़ करें ऑप्टिमाइजेशन को, उसमें क्या है, फंक्शन आता है, फंक्शन को ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाता है। और जनरल यूज़ में हम ये देखें तो जो हम एफर्ट्स हैं या बेनिफिट्स हैं, एक्सपेंडिचर, उनको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं। जब भी हम जो भी आप वर्क करें वो करें, सबको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो फंक्शन को ही जनरली मैथमेटिक्स में हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके उसको हम बता सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, द तो इसकी नीड क्या है ऑप्टिमाइजेशन की। द सर्च फॉर एक्सट्रीम इंस्पायर्स माउंटेनियर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस। दो हम पता है कि जो भी माउंटेनियर, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन हैं या जो भी ह्यूमेंस हैं, उन सबको एक्सट्रीम चाहिए हर चीज़ में, यानी मैक्सिमम चाहिए हर चीज़ में, यानी एफर्ट्स वो मिनिमम लगें, रिसोर्सेज मिनिमम लगें और उनको बेनिफिट मैक्सिमम हो। तो सभी एक्सट्रीम चाहते हैं हर चीज़ में इंस्पायर करने के लिए। तो जो माउंटेनियर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हैं, सबको एक रेस है कि हमें एक्सट्रीम चीज चाहिए। एवरी न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अलाउज फॉर अटैकिंग न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जो भी नई जनरेशन आती है कंप्यूटर्स में, डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, तो एक जनरेशन होती है उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं दूसरी जनरेशन से कम होते हैं, तो दूसरी जनरेशन में और बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में जो भी हमारे पास बेनिफिट्स थे और वो सेकेंड जनरेशन में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, थर्ड में और बढ़ जाएंगे, फोर्थ में और बढ़ जाते हैं, इससे बढ़ते चले जाते हैं एवरी जनरेशन में। तो जो कंप्यूटर्स की जो जनरेशन होती हैं उन सब में जैसे जैसे नई जनरेशन पे जाते हैं उसमें नए टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉल्स फॉर न्यू मेथड्स, और इसके लिए हमें नए मेथड्स का ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होते हैं। द गोल ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी का गोल क्या है, इज़ द क्रिएशन ऑफ रिलायबल मेथड, कि ऐसे रिलायबल मेथड्स का क्रिएट करना टू कैच द एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शन, जो कि फंक्शन को एक्सट्रीम कर सकें बाय एन इंटेलिजेंट अरेंजमेंट, किसके द्वारा, इंटेलिजेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इट्स इवेल्युएशंस, इसके इवेल्युएशंस। दिस थ्योरी इज वाइटली इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग। ये जो थ्योरी है ऑप्टिमाइजेशन की, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडर्न जो इंजीनियरिंग जो अब चल रही है और प्लानिंग में। दैट इनकॉर्पोरेट्स, कौन कौन से हैं इनकॉर्पोरेट्स में, ऑप्टिमाइजेशन एट एवरी स्टेप, ऑप्टिमाइजेशन एवरी स्टेप पर ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जो कॉम्प्लिकेट डिसीजंस होते हैं मेकिंग प्रोसेस, यानी ऑप्टिमाइजेशन सभी स्टेप जो स्टेप होते हैं एवरी स्टेप पे, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेटेड को कम करता है। इन इंजीनियरिंग वेरी एवरी इंजीनियर ट्राइज टू क्रिएट द बेस्ट प्रोजेक्ट, जो इंजीनियरिंग होती है उसमें जो एवरी इंजीनियर होता है वो ट्राई करता है कि इसे बेस्ट प्रोजेक्ट वो बना सके, क्रिएट कर सके।
एंड द रिलीज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड टू अचीव द गोल। और ऑप्टिमाइजेशन इस वक्त में उनका क्या करता है, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स होते हैं जो भी। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन का इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उनके लिए। देन द थ्योरी इज वाइटली इम्पोर्टेंट्स, ये थ्योरी वाइटली इम्पोर्टेंट्स होती है मॉडर्न इंजीनियरिंग में, प्लानिंग में। इनकॉर्पोरेट्स दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑप्टिमाइजेशन एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से कब कैसे स्टार्ट हुआ है और इसको कैसे इसका यूज़ किया गया है जो पुराने टाइम। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड, ऑप्टिमाइजेशन मेथड का जो एग्जिस्टेंस है, कैन बी ट्रेस्ड टू द डेज ऑफ न्यूटन, लैंग्रेंज एंड कोसी। यानी कि न्यूटन, लैंग्रेंज और कोसी के टाइम से ही इसको यूज़ किया जा रहा है, इसके मेथड्स को, इसका एग्जिस्टेंस है इसका। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस की ऑप्टिमाइजेशन की जो मेथड है डेवलपमेंट किया गया, बट पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन एंड लेबनीज टू कैलकुलस। तो जो कैलकुलस में ऑप्टिमाइजेशन मेथड जो यूज़ किए गए हैं उनमें किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेबनीज और न्यूटन का, न्यूटन और लेबनीज का, दोनों का कैलकुलस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्टिमाइजेशन को उसके अंदर यूज़ करने में। द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस वेरिएशन, जो कैलकुलस वेरिएशन होता है, ये भी एक टॉपिक होता है कैलकुलस वेरिएशन मैथमेटिक्स में, इसका जो फाउंडेशन है विच डील्स विद द मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शनल, जो कि फंक्शनल को मिनिमाइज करता है। हमें पता है कि हम फंक्शंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, तो ये फंक्शंस के फंक्शन को भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करता है। तो फंक्शनल क्या होता है, फंक्शंस के भी जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, फंक्शनल कहलाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन, और हमने क्या लिया कि एक और लिया में जी फंक्शन लिया जो एफ एक्स का भी फंक्शन, जी इक्वल्स टू एफ एफ एच एफ एक्स, तो वो फंक्शन जो फंक्शन जी है वो एफ का भी फंक्शन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे। वर लेड बाय बर्नौली, आयलर, लैंग्रेंज एंड बेस्ट्रास। तो इसमें जो कैलकुलस वेरिएशन में जो फाउंडेशन किया था वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, बर्नौली था, आयलर था, लैंग्रेंज था और बेस्ट्रास था। द हिस्ट्री डेट्स बैक टू द लेट 30th एंड अर्ली 40s, जो हिस्ट्री डेट है 30 और 40 के बीच का है, जो व्हेन मिलिट्री कमांड्स ऑफ यूएस एंड यूके, जो मिलिट्री कमांड्स यूएस और यूके के ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर फॉर्म्ड ए कमेटी ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट की कमेटी फॉर्म की टू डिजाइन फॉर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशन, इसके लिए कि वो डिजाइन करने के लिए स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, वाई डूइंग प्रैक्टिकल रिसर्च, क्या करके प्रैक्टिकल रिसर्च करके प्रैक्टिकली कन्फाइंड टू अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका यूज़ करके, बास टू फाइट द वार, बार में फाइट करने के लिए, टू विन और जीतने के लिए, विद मैक्सिमम डैमेज टू द एनिमी, यानी एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा करके, डैमेज करके उससे हम, और अवेलेबल जो रिसोर्स हैं उनको मैक्सिमाइज यूज़ करके, इसके लिए इस थ्योरी को हम एक फॉर्म किया गया, या एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ऑपरेशन किए गए, रिसर्च किया गया इसके ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के जो 30 और 40 के बीच में जो हुआ था, अर्ली 40s में, तो इसमें क्या था, उन्होंने इस तरह से प्लानिंग की उसको युद्ध को जीतने की, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं यानी यूके और यूएस के जो मिलिट्री कमांड्स थे उसमें, कि हमारे पास जितने भी जो रिसोर्स हैं उनका मिनिमाइज यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, यानी जो एनिमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सकते, जापान को उन्होंने जैसे बर्ड बार में बॉम्ब डाला था, इस तरह से बहुत सारा डैमेज किया था, तो उन रिसोर्स का यूज़ करके उन्होंने
मैक्सिमाइज उस युद्ध को, वार को विन करने के लिए मैक्सिमाइज यूज किया रिसोर्सेस का, और उन्होंने मैक्सिमाइज बेनिफिट मिले और मिनिमम रिसोर्सेज यूज कर, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ मिलिट्री। और इस मिलिट्री की जो सक्सेस थी उससे इंस्पायर होके इन द सेकेंड वर्ल्ड वार में द इंडस्ट्री पीपल वर अट्रैक्ट, तो जो इंडस्ट्री पीपल थे वो अट्रैक्ट हुए टुवार्ड द टीम ऑफ साइंटिस्ट, यानी इस टीम ऑफ साइंटिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो तब सेकेंड वर्ल्ड वार में यूके और यूएस की जो मिलिट्री कमांड थी उनको सक्सेस मिली, उस सक्सेस को देख के जो इंडस्ट्री पीपल थे, बिजनेस मैन थे, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए साइंटिस्ट की ओर। द मोटिव बिहाइंड द वार टू डिज़ाइन द एल्गोरिथम्स, जो जनरली मोटिव था बार को बार में डिज़ाइन करने के लिए, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए, दैट कैन मैक्सिमाइज, जो कि मैक्सिमाइज कर सकता था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन था उस कॉस्ट को तो मैक्सिमाइज एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट देयर ऑफ, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकता था और प्रॉफिट देयर ऑफ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता था। द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस वेरिएशन, जनरली जो फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस वेरिएशन था उसमें किसका यूज किया गया था, मिनिमाइज करने के लिए फंक्शनल को, बर्नौली आयलर लैंग्वेज और वेस्ट्रास ने यूज किया था इसको, तो इस तरह से इसको थ्योरी को यूज किया जाता है। तो ये आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि ऑप्टिमाइजेशन जनरली है क्या। जनरली हम जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं फंक्शंस पे यूज़ करते हैं, मिनिमाइज करने और मैक्सिमाइज करने, उसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, जनरली क्या है ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शन को ही मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है। हम जानते हैं बेनिफिट्स है या कोई एक्सपेंडिचर है उसको फंक्शन की फॉर्म में मैथमेटिक्स में लिखाया जा सकता है, तो उस फंक्शन को यदि हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करें तो वही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो जनरली इसमें ऑप्टिमाइजेशन को जनरली समझना है क्या है ऑप्टिमाइजेशन, इस लेक्चर का जनरल जो गोल है कि इसको ऑप्टिमाइजेशन जनरली है क्या, वो समझना है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन वाला ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिमाइजेशन की, नया क्लासिफिकेशन क्या है ऑप्टिमाइजेशन के, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन था इसके ऑप्टिमाइजेशन का। थैंक यू।